नमस्कार। पोलका बाय द वोमेन फॉर द वोमेन में मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो यह बहुत कॉमन है, दूसरा इसके बारे में महिलाएं खुल कर भी नहीं बोल पाती हैं, और तीसरा इसको लेकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा क्वेरीज और गलत अवधारणाएँ भी रहती हैं। कई बार महिलाएं और बड़ी बच्चियां आकर कहती हैं कि वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है और बदबू भी आ रही है। यह जो बदबूदार वेजाइनल डिस्चार्ज है, इसी को लिक्यूरिया कहते हैं। अब यहां पर हमें यह समझने के लिए ज़रूरी है कि ये लिक्यूरिया नॉर्मल है या एबनॉर्मल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि सर्विक्स और वेजाइना के आसपास ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे एक तरह का चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट होता है। यह सीक्रेशन उस एरिया में नमी बनाकर रखने के लिए होता है, जिससे वहाँ इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि यदि वेजाइना ड्राई रहेगा तो बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी और संक्रमण का चांस भी बढ़ जाएगा। वेजाइना में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि बाहरी इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकते हैं। यदि कोई फंगस या खराब बैक्टीरिया वेजाइना में एंटर भी करने वाले होते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज के फ्लू के कारण अंदर नहीं जा पाते और बाहर बहकर निकल जाते हैं। मेंसेस आने के पहले ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, जिसके कारण वाई डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। जब ईस्ट्रोजन कम और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ता है, तब गाढ़ा डिस्चार्ज होता है। इसलिए मेंसेस आने के 2-3 दिन पहले और मेंसेस खत्म होने के 10-12 दिन बाद गाढ़ा डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। इस डिस्चार्ज में किसी तरह की बदबू नहीं होती है और ना ही यह वेजाइना में ईचिंग पैदा करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी वाई डिस्चार्ज होना एक बहुत कॉमन सी बात है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण वाई डिस्चार्ज बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में होने वाला यह वाई डिस्चार्ज नॉर्मल है या एबनॉर्मल, इससे बच्चे पर या माँ पर क्या असर पड़ सकता है? प्रेगनेंसी में यदि वाई डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी है? इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो गर्भावस्था में वाई डिस्चार्ज नॉर्मल या एबनॉर्मल, इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यदि महिला के वेजाइना से गाढ़ा चिपचिपा डिस्चार्ज हो रहा है, जिसमें ना तो बदबू आ रही है और ना ही खुजली पैदा कर रहा है, तो डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, यह नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है। इसके अलावा आपको ये जानने की ज़रूरत है कि नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में आप जान चुके हैं, आप जानते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होगा। यदि यह डिस्चार्ज किसी इन्फेक्शन के कारण है तो डिस्चार्ज से बदबू आने लगेगी और वेजाइना में इचिंग भी होने लगती है। कई बार महिलाएं कमर में दर्द, पेट में नीचे की तरफ दर्द मींस पेल्विक एरिया में दर्द की कंप्लेंट करती हैं। यदि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो फीवर भी आ सकता है। डिस्चार्ज का कलर ग्रेइश या येलोइश या ग्रीनिश हो सकता है, या फटे हुए दूध या दही की तरह दिखाई देगा। यह इन्फेक्टेड वेजाइनल डिस्चार्ज किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ये इन्फेक्शन फंगस, बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल हो सकता है। कुछ एसटीडीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि सिफिलिस है या फिर हर्पीस है या फिर वॉर्ट्स के कारण भी वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। यदि लेडी की इम्यूनिटी कम है तो भी वाई डिस्चार्ज हो सकता है। वेजाइनल इन्फेक्शन से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हाइजीन कैसे मेंटेन करना है यह आप मेरे वीडियो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि इन्फेक्शन के कारण वेजाइनल डिस्चार्ज है तो डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर आपके वेजाइनल डिस्चार्ज के कलर के आधार पर उसके कारण का पता लगाएंगे कि यह इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या फंगल है। डॉक्टर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन भी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर वेजाइनल डिस्चार्ज को लैब में भी जांच के लिए भेज सकती हैं। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो हिचकिचाएं नहीं,
क्लियर बताएं, क्योंकि चेकअप के बाद ही और आपकी कंप्लेन पूरी तरह से सुनने के बाद ही वो सही दवाइयाँ दे पाएंगी। कई बार महिलाएं आकर कहती हैं कि वजाइना में जलन हो रही है, जिसके कारण सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता है और सही इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि यूरिन में जलन यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण होता है और यूरिन में ईचिंग ल्यूकोरिया के कारण होती है। ल्यूकोरिया की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको ओरल मेडिसिन दे सकती हैं, या फिर आपको वजाइना में रखने के लिए पेस्ट्रीज दे सकती हैं, या इंजेक्शन भी लगा सकती हैं, या फिर हो सकता है तीनों दे सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर को भी ट्रीटमेंट दे सकती हैं। एक बात का और जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है कि ट्रीटमेंट आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आपने एक बार ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ा तो ये इन्फेक्शन आपको दोबारा होगा, हो सकता है अगले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने या साल में कभी भी दोबारा हो सकता है। इसलिए जब भी ट्रीटमेंट लें तो कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, और यदि यह इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है तो यह बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आपके साथ साथ आपके हस्बैंड भी ट्रीटमेंट लें, क्योंकि कई बार वाइफ का तो ट्रीटमेंट हो जाता है पूरा, पर क्योंकि हस्बैंड में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं इसलिए वो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, पर वो बीमारी फैलाने के लिए वाहक का काम करते हैं। इसलिए आप अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, पर जब भी हस्बैंड के कांटेक्ट में आएंगे बीमारी आप में फिर से आ जाएगी। इसलिए यदि आपको बार बार ल्यूकोरिया हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। एक बात का फिर से ध्यान दें कि सभी वजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्टेड डिस्चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए ल्यूकोरिया को लेकर चिंता करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको यह समझने की ज़रूरत है कि यह डिस्चार्ज नॉर्मल है या अबनॉर्मल। यदि नॉर्मल है तो निश्चिंत रहिए, और यदि अबनॉर्मल है तो डॉक्टर को दिखाकर कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए। हेल्थ संबंधित किसी भी क्वेरीज के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकती हैं। धन्यवाद।